कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए उनकी पार्टी ने उनके समर्थन में मौन सत्याग्रह करने का फैसला किया है। कब होगा ये मौन सत्याग्रह और इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, मैं हूँ अंकिता। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने 12 जुलाई को सभी राज्यों में मौन सत्याग्रह करने का फैसला किया है। पार्टी महासचिव वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, राज्य प्रभारियों, पार्टी के अग्रिम संगठनों और विभागों के प्रमुखों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि मौन सत्याग्रह के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हों। कांग्रेस ने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से खारिज किए जाने के मद्देनजर उनके प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए मौन सत्याग्रह करने का फैसला किया है। ये सत्याग्रह राज्य मुख्यालयों पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश पार्टी के सभी पदाधिकारियों, नेता कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हो। वेणुगोपाल ने कहा है कि ये समय एकजुट होने और ये बताने का है कि सच और न्याय की लड़ाई में राहुल गांधी अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों नागरिक खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराने पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी। गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को IPC की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वो 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इसे लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।